Study Coach welcomes you all. This course is basic of accounts. इस कोर्स को हम 28 लेक्चर्स में कवर करेंगे और जो लैंग्वेज यूज़ की गई है कोर्स में वो हिंदी लैंग्वेज है. कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, लेट्स सी. सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, देन अकाउंटिंग प्रोसीजर, किस तरह का प्रोसीजर रहता है अकाउंटिंग का, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज इन अकाउंट, तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको भी एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है इस कोर्स में. देन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, कितनी फॉर्म्स रहती हैं बिजनेस की. आफ्टर दैट जर्नल एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, जर्नल एंट्री किस तरह से आप करते हो, कितने टाइप्स की जर्नल एंट्रीज रहती हैं. देन जीएसटी के बारे में भी इसमें बताया है. अगर आपको जीएसटी डिटेल में डिस्कस करना है तो इसके लिए हमारा सेपरेट कोर्स भी है जीएसटी से रिलेटेड. देन बैड डेट क्या होता है. देन आफ्टर इन्वेंट्री, कितने टाइप्स की इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री क्या होती है, वो सभी चीज़ें एक्सप्लेन की है. देन ट्रायल बैलेंस को भी प्रैक्टिकली समझाया हुआ है कि किस तरह से रहता है ट्रायल बैलेंस. देन टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, कितने टाइप्स के बैंक अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक अकाउंटेंट को पता होना कि कितने टाइप्स के बैंक अकाउंट्स होते हैं. आफ्टर दैट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो रिकंसिलिएशन किस तरह से की जाती है वो भी प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया गया है. सो ओवरऑल ये कोर्स अच्छे से आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझाया गया है. नाउ लेट्स डिस्कस इट्स बेनिफिट, कि इस कोर्स को करने के क्या क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं. तो एम्प्लॉयमेंट मीन्स, अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट ईजिली मिल सकती है, क्योंकि हर एक कंपनी में अकाउंटेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है. लेकिन कंपनी के लिए एक अच्छा अकाउंटेंट होना भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो बिजनेस को अच्छे से देख सके. सेकंड है बिजनेस मींस, अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है. इसलिए हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है ताकि आप जितनी भी टर्मिनोलॉजीज अकाउंट्स में यूज़ होती हैं, जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें अकाउंट्स में इन्वॉल्व है, उन सभी चीज़ों को आप अच्छे से लर्न कर सके. तो आई होप स्टूडेंट्स यू विल एंजॉय दिस कोर्स. स्टे ट्यून्ड विद स्टडी कोच. थैंक यू.